नमस्कार, मैं हूँ ओपी यादव। साल 2020 के खट्टे मीठे अनुभवों को लेकर आज हम बात करेंगे देश के अन्नदाता यानी किसानों को लेकर कृषि और कल्याण के मामले में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले एक साल की उपलब्धियों पर। इस एक साल में किसानों को सरकार की तरफ से क्या नीतियाँ और क्या योजनाएँ मिली, अन्नदाता को क्या सौगातें मिली, इन योजनाओं का किसानों को जमीनी स्तर पर कितना फायदा हुआ, इन सभी मसलों पर आज होगी विस्तार से बात। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश की तकरीबन 65% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिनमें अधिकांश की आजीविका कृषि पर निर्भर है। यही वजह है कि मोदी सरकार का पूरा ध्यान किसानों के आर्थिक कल्याण पर केंद्रित है। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने से लेकर अब तक के सफर में सरकार का ध्यान किसानों की लागत कम करने और आय बढ़ाने पर रहा है। किसानों के सरोकारों से जुड़ी किसान हितैषी योजनाओं का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। केंद्र द्वारा किसानों की आय को केंद्र में रखकर नीतियां और योजनाएं बनाने से आज देश में न केवल खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि किसानों की आय बढ़ने से उनकी आर्थिक तरक्की भी सुनिश्चित हो रही है। सफल प्रकल्प ही काफी नहीं होते, इसके साथ साथ किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाभ भी मिलना चाहिए जो हमारा देश, दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए विकल्प के माध्यम से किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। केंद्र सरकार के एजेंडे में देश के गांव, गरीब और किसान शुरू से ही प्राथमिकता में रहे हैं, इस बात की झलक 2020 के शुरुआत में पेश किए गए आम बजट में साफ तौर पर देखने को मिली। बजट में एक ओर जहां किसानों, पशुपालकों और मछुआरा समुदाय के लिए सरकार ने न केवल वित्तीय प्रावधान किए, बल्कि तकनीक युक्त नवाचार से आधारित नवीन खेती को बढ़ावा देने पर भी सरकार का खासा जोर रहा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कृषि और किसान कल्याण का मामला हो या पशुपालकों व मत्स्य समुदाय के विकास का मसला, हर दृष्टि से केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं के केंद्र में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को रखा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले एक साल का लेखा जोखा देखें तो साफ नजर आता है कि 2020 में सरकार का एक साल बेमिसाल रहा है। बीते एक साल में सरकार की किसान हितैषी योजनाओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2020 के शुरुआत में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए नए दशक के पहले बजट में सरकार ने किसानों के लिए कृषि विकास की बड़ी योजनाओं को लागू किया है। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने गांव, गरीब और किसान के विकास और कल्याण, समृद्धि के लिए अनेक काम किए हैं जो निश्चित रूप से ऐतिहासिक भी हैं और अभूतपूर्व भी हैं। इन सारी कार्य योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र और कृषि के क्षेत्र के लिए जो कथनी और करनी में एक रूपता सिद्ध की है, वह निश्चित रूप से बेमिसाल है। केंद्र सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है। इसके लिए कृषि मार्केट को खोलने और अन्य तरह के नीतिगत फैसले सरकार ने लिए ताकि अन्नदाता की आय बढ़ सके। इसके लिए सरकार ने साल के शुरुआत में अपने बजट भाषण में किसानों के लिए 16 सूत्रीय फार्मूले का ऐलान किया था। इनमें मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना, 100 जिलों में किसानों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजनाएं चलाना, पीएम कुसुम योजना से 20 लाख किसानों को जोड़ना एवं 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को सोलर से जोड़ना, उर्वरकों का बैलेंस इस्तेमाल करना ताकि किसानों के बीच फसल में उर्वरकों के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके, देश में मौजूदा वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड के जरिए पीपीपी मॉडल पर नए तरीके से विकसित करना, महिला किसानों के लिए धान्य लक्ष्मी योजना के तहत बीज से जुड़ी योजनाओं से महिलाओं को जोड़ना, कृषि उड़ान योजना को शुरू करना, दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए किसान रेल चलाना, किसानों के लिए एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना, जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाना,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 तक के लिए बढ़ाना, दूध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए सरकारी योजना चलाना, मनरेगा के अंदर चारागाह को जोड़ना, नीली क्रांति के जरिए मछली पालन को बढ़ावा देना, मत्स्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों को दी जाने वाली मदद को दीनदयाल योजना के तहत आगे बढ़ाने जैसी कई तरह की सौगातें सरकार ने अन्नदाताओं को दी। इसी वर्ष में देश में 10,000 FPO बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिस पर केंद्र सरकार 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। यह FPO का संसार छोटे किसान की ताकत बढ़ाएगा, उनको महंगी फसलों की ओर आकर्षित करेगा, उनको अपनी फसल के वाजिब दाम मिल सकें और वो समृद्ध किसान की श्रेणी में आ सकें। इसका मार्ग निश्चित रूप से इससे प्रशस्त होने वाला है। आइए अब लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से होते हैं हाजिर, देखते रहिए DD न्यूज। कोरोना की वैश्विक महामारी से एक ओर जहां भारत सहित पूरी दुनिया त्रस्त थी, उस वक्त देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए किसानों को न केवल फसलों को काटने की अनुमति दी बल्कि उनके कृषि उत्पादों को बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाया। यही नहीं, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपये का अलग से वित्तीय प्रावधान कर मुसीबत के वक्त अन्नदाता की आर्थिक मदद करने का काम भी किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने देश के किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। किसानों को अपनी फसलों की कटाई और कृषि उत्पादों की बिक्री की सहूलियत दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की तीसरी किश्त जारी की। ये किश्त मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित रही। इनमें कुल 11 ऐलान किए गए, जिनमें 8 फैसले कृषि और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़े रहे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की तीसरी किश्त में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल 1,65,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई, जो कोरोना काल में देश के किसानों के लिए वरदान साबित हुई। इनमें खेती किसानी क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए, छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज योजना, 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,342 करोड़ रुपए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए दिए, हर्बल पौधों को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए, मधुमक्खी पालकों को 500 करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव, कृषि उत्पादों को एक देश एक बाजार के तहत कहीं भी बेचने की छूट, किसानों का उत्पीड़न रोकने के लिए सुविधाजनक कानूनी ढांचा तैयार करने जैसे अनेक निर्णय किसानों के हित में सरकार द्वारा कोरोना काल में लिए गए। 1,00,000 करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ का, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपए का, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए, 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग के लिए और 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए। ये 1,50,000 करोड़ का पैकेज कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला है, बड़े गैप भरने वाला है। केंद्र सरकार का ध्यान कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने पर भी रहा है। इसी के मद्देनजर कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। इन कृषि सुधार कानूनों से भविष्य में किस तरह क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, किसानों को जमीनी स्तर पर कितना फायदा होगा, इन सभी पर आधारित आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे को अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की पहल की है। इसी क्रम में संसद से 3 नए कानून पारित हुए हैं। इन कृषि सुधार कानूनों को लेकर कुछ राजनीतिक संगठनों ने किसानों को गुमराह करने की कोशिश की, किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई और कुछ किसान संगठनों ने आंदोलन का रुख अख्तियार किया। हालांकि इन कानूनों के पक्ष में देश भर से किसान संगठनों की तरफ से आवाजें आ रही हैं कि लंबे इंतजार के बाद किसानों के हित में ये ऐतिहासिक कानून बने हैं। इधर सरकार की तरफ से इन कानूनों को लेकर साफ कर दिया गया है कि किसानों का अहित करने वाले लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं। यह कानून न केवल अन्नदाता के हित में है बल्कि भविष्य के लिहाज से किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। एक लंबे कालखंड से कृषि सुधार बिलों की चर्चा तो देश में चल रही थी। अनेक विद्वानों ने अपना अपना समय समय पर मत व्यक्त किया था। अनेक राजनीतिक दलों ने भी उससे सहमति जताई थी, लेकिन कोई समय रहते हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में कृषि सुधार बिल आए।
ये बिल भी किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। आइए जानते हैं इन कानूनों में क्या प्रावधान किए गए हैं और इनसे किसानों को क्या लाभ होंगे। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण कानून 2020 प्रावधान, किसानों और व्यापारियों को राज्यों में स्थित कृषि उत्पाद बाजार समिति से बाहर भी उत्पादों की खरीद बिक्री की छूट प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य व्यापार व परिवहन लागत को कम करके किसानों के उत्पाद को अधिक मूल्य दिलवाना तथा ई ट्रेडिंग के लिए सुविधाजनक तंत्र विकसित करना है। भ्रम, किसान अगर सरकारी मंडियों के बाहर उत्पाद बेचेंगे तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, कमीशन एजेंट बेरोजगार हो जाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली खत्म हो जाएगी, फसलों की सरकारी खरीद के साथ साथ ई ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। हकीकत, केंद्र सरकार तीनों कानूनों के मसौदों को संसद में पेश करते वक्त ही स्पष्ट कर चुकी है कि न तो मंडियां बंद होंगी, न ही एमएसपी प्रणाली खत्म होने जा रही है। इस कानून के जरिए पुरानी व्यवस्था के साथ साथ किसानों को नए विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये उनके लिए फायदेमंद है। लाभ, किसानों के पास उत्पादों की बिक्री के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे, बिचौलियों का रास्ता बंद हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उत्पादों की बेहतर कीमत मिल पाएगी। किसान बिल है, ये किसानों के बहुत हित का काम है। ये पहल जो मोदी जी ने करी है बहुत अच्छी करी है, ये बहुत अच्छी योजना लाए हैं और हम अपनी फसल को कहीं भी इधर उधर ले जाकर सही पैसे जहाँ मिलते हो वहाँ बेचने में सक्षम है। ये किसानों के हित का है और ये बिल आया है, इसका खाद्य विरोध गलत कर रहे हैं लोग, भाई मंडी से दलाली खत्म हो रही है। दूसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 प्रावधान, अनाज दलहन तिलहन प्याज व आलू आदि को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाना, युद्ध जैसी अपवाद स्थितियों को छोड़कर इन उत्पादों के संग्रह की सीमा तय नहीं की जाएगी। भ्रम, असामान्य परिस्थितियों के लिए तय की गई कीमत की सीमा इतनी अधिक होगी कि उसे हासिल करना आम आदमी के वश में नहीं होगा। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करेंगी, यानी कंपनियां किसानों पर शर्तें थोपेंगी जिससे उत्पादकों को कम कीमत मिलेगी। हकीकत, कोल्ड स्टोर व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश बढ़ेगा क्योंकि वो अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादों का भंडारण कर सकेंगे। इससे किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी, फसलों को लेकर किसानों की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। व्यापारी आलू व प्याज जैसी फसलों को भी ज्यादा खरीद करके उनका कोल्ड स्टोर में भंडारण कर सकेंगे। इससे फसलों की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत मिल पाएगी। लाभ, कृषि क्षेत्र में निजी व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कोल्ड स्टोर और खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी और उन्हें समुचित कीमत मिलेगी। जब सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी या खराब न होने वाले अनाज का मूल्य 50% बढ़ जाएगा तो सरकार भंडारण की सीमा तय कर देगी। इस प्रकार किसान व खरीदार दोनों को फायदा होगा। इस वर्ष मैंने जो है लगभग अपना 20% जो सेब है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में दिया है और वहाँ मुझे जो है काफ़ी फायदा हुआ है। इस वर्ष बिल जो आया है उसमें MSP कहीं से हटाने गया है, हमारे मंडी को भी स्ट्रेंथनिंग दिया जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। केंद्र सरकार का यह निर्णय किसान भाइयों के हित में है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि किसानों के हित में काम किया, तो इससे बिल किसान के लिए सही बजट एंड सही पैसे मिलेंगे और इससे किसानों के लिए फायदा ही है। पहले की फसल खरीद प्रणाली, किसान राज्य सरकार की कृषि उत्पाद बाजार समितियों यानी मंडियों में अपने उत्पाद बेचते थे। मंडियों में किसान अपने उत्पाद अधिकृत कमीशन एजेंट के माध्यम से बेचने के लिए मजबूर होते थे। पंजाब और हरियाणा में उन्हें आढ़ती कहा जाता है। सिर्फ बिहार, केरल, मणिपुर, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दमन एवं दीव में मंडियां नहीं हैं। मंडियों में कमीशन एजेंट किसानों को उत्पाद बिक्री से मिलने वाली कुल रकम में से 1.5 से 3% की कटौती कर लेते हैं। ये कटौती उत्पाद की सफाई, छटाई व अनाज का ठेका आदि के नाम पर होती है। मंडियां एजेंटों से फीस वसूलती हैं। FCI समेत अन्य सरकारी एजेंसियां 60 से 90 दिनों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से फसल की खरीद करती हैं। हालांकि इस दौरान फसलों की गुणवत्ता भी देखी जाती है। इसके बाद व्यापारी बाजार मूल्य के अनुरूप किसानों से फसल की खरीद करते हैं। यह कानून जो है जनहितकारी है क्योंकि इस कानून में न तो
कृषि उपज मंडियों की समाप्ति की बात की गई है, न इस कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की समाप्ति की बात की गई है। और सबसे बड़ा फायदा कि जो उपज जो कृषि मंडियां थी, मंडियों में जो इंस्पेक्टर राज था उसके समाप्ति की बात की गई है कि कोई किसान अपनी आवश्यकता के अनुरूप या अपनी सुविधा के अनुरूप जो है बाहर मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकता है। तीसरा, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। प्रावधान, किसानों को कृषि कारोबार करने वाली कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों व संगठित खुदरा विक्रेताओं से सीधे जोड़ना, कृषि उत्पादों का पूर्व में ही दाम तय करके कारोबारियों के साथ करार की सुविधा प्रदान करना, 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत व छोटे किसानों को समूह व अनुबंधित कृषि का लाभ देना, देश के 86% किसानों के पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है, भ्रम, अनुबंधित कृषि समझौते से किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वो मोल भाव नहीं कर पाएंगे, प्रायोजक शायद छोटे व सीमांत किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए उनसे परहेज करें, बड़ी कंपनियां, निर्यातक, थोक विक्रेता व प्रसंस्करण इकाइयां किसी भी प्रकार के विवाद का लाभ उठाना चाहेंगी, कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। हकीकत, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इस कानून का लाभ देश के 86% किसानों को मिलेगा। किसान जब चाहें अनुबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन कंपनियां अनुबंध तोड़ती हैं तो उन्हें जुर्माना अदा करना होगा, तय समय सीमा में विवादों का निपटारा होगा, खेत और फसल दोनों का मालिक हर स्थिति में किसान ही रहेगा, लाभ, कृषि क्षेत्र में शोध और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा, अनुबंधित किसानों को सभी प्रकार के आधुनिक कृषि उपकरण मिल पाएंगे, उत्पाद बेचने के लिए मंडियों या व्यापारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, खेत में ही उपज की गुणवत्ता जांच, ग्रेडिंग, बैगिंग व परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, किसानों को नियमित और समय पर भुगतान मिल सकेगा। बहुत ठीक किया है, उससे पहले हमारी फसल जो है यहीं बिकती थी, यहीं बेचते थे, उसका कोई दाम नहीं मिलता था, कोई वाजिब दाम नहीं मिलता था, अब हमें जो है कहीं भी, हम हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी फसल ले जाकर बेच सकते हैं। बिचौलियों से मतलब जो नुकसान होता था किसानों को वो नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है और मतलब अच्छे दाम ले सकता है। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि हमारी मतलब खेत पे से ही फसल बेच सकते हैं हम, मतलब कि वो बाहर भी मतलब जाके मतलब दे सकते हैं, तो बहुत बढ़िया, मतलब हम बहुत खुशी की बात है, मोदी सरकार जो फैसला लिया है बहुत अच्छा है। पहले ऐसे होती थी अनुबंध कृषि, पहले अनुबंध कृषि का स्वरूप अलिखित था, तब निर्यात होने लायक आलू, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी व फूलों के उत्पादन के लिए ही अनुबंध किया जाता था। कुछ राज्यों ने पहले के कृषि कानूनों के तहत अनुबंध कृषि के लिए नियम बनाए थे। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना है ये कई मायनों में बहुत किसानों के लिए फायदे की बात है, वो इसलिए है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी तो लिमिटेड नंबर ऑफ कमर्शियल क्रॉप तक कन्फाइंड होती थी, अभी इसका दायरा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है। दूसरा, जो एक तरीके से बातचीत करके जो चीजें फाइनलाइज होती थी जिसका रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो अब पूरा एक डिटेल रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसको दोनों पार्टीज को साइन करना होगा, इसलिए किसानों के इंटरेस्ट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो लोवेस्ट पॉइंट पे SDM के वहां इसका निपटारा 3 दिनों के अंदर हो जाएगा। क्या कहते हैं जानकार, इन कृषि सुधार कानूनों को लेकर जब हमने विशेषज्ञों से बातचीत की तो उनका कहना था कि कृषि क्षेत्र में अपने 5 दशक के अनुभवों के आधार पर मैं दावे से कह सकता हूं कि संसद से पारित तीनों कानूनों को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये विरोध प्रायोजित हैं। तीनों कानून क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, हालांकि इससे उस वर्ग को खीज हो सकती है जिसने अब तक कृषि उत्पाद बाजार से कुछ ज्यादा ही कमाई की है। अब जो ज्यादा जरूरत थी वो पोस्ट प्रोडक्शन साइड की थी कि कैसे किसान मार्केट से बेहतर जुड़ सके, कैसे किसान अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके और किस तरीके से किसान के अपने वहां से कोई कंपनी आए उसकी खरीदारी कर ले, लेकिन एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो भी बरकरार रहे कि अगर किसी किसान को लगता है कि गवर्नमेंट सिस्टम में जाके बेचना फायदे का है तो वो ऑप्शन भी रहना चाहिए। तो तीनों लेजिस्लेशन जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि जो एनेबलिंग प्रोविजंस हैं वो पूरी तरीके से फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। केंद्र सरकार देश के किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में कोरोना काल में 1,00,000 करोड़ रुपए का कृषि विकास फंड बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किसानों को सरकार ने कई तरह की सहूलियतें दी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश के किसानों के कल्याण और विकास को समर्पित केंद्र सरकार ने कोरोना काल में अन्नदाता के हितों की चिंता की, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त माह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने इस दौरान 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किश्त जारी की, जो जरूरत के वक्त देश के किसानों के लिए बड़ी सौगात साबित हुई। मैं समझता हूँ कि चाहे MSP का बढ़ना हो, FPO का बनना हो, 1,00,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मामला हो और अन्य जो योजनाएं हैं, वो कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत ही अभूतपूर्व हैं और आने वाले कल में प्रतिफल देने वाली हैं, किसान की ताकत को बढ़ाने वाली हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी के बावजूद सरकार ने सितंबर माह में अन्नदाता के हितों का ध्यान रखते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी। सरकार ने गेहूं सहित कई फसलों के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा, जो 1975 हो गया। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपए बढ़ाकर 5100 रुपए कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा हुआ। जब ये बढ़ता है MSP जब तय होता है और सही निर्धारित होता है तो किसान को फायदा तो होता है इससे, क्योंकि बाकी जो बाजार जो का भाव जो निर्धारित होती है MSP सर्टनली जो भी उसको अकाउंट में लिया जाता है, तो इसीलिए ये भाव निर्धारण तो आगे भी ये चलता रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही किसान मानधन योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बुढ़ापे की लाठी बन रही है। इस योजना के तहत किसानों को 60 की उम्र के बाद कम से कम 3,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। 18 से 40 की उम्र का कोई किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक किसान को 55 रुपए से 200 रुपए के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होगा। ये योजना हमारे समाज के वृद्ध जनों को, जिन्होंने अपने जीवन में और खास तौर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्गों को एक तरह की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और 60 साल के बाद की उम्र में उनका जीवन जो है आत्मनिर्भर होता है, वो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। और निर्भरता जो है, एक किसान जो अपने पूरे जीवन में स्वायत्त होकर के काम करता है, वो किसी पर निर्भर होना नहीं चाहता है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान जो योजना है, उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना है, ये सरकार के लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, समाज कल्याणकारी स्वरूप को प्रतिबिंबित भी करती है, परिलक्षित भी करती है। देश में किसानों को कृषि उत्पादों के वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार ने विपणन व्यवस्था को दुरुस्त किया है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। जब से ये सरकार आई है, मैं कहूँगा पिछले 5 साल और ये वाला 1 साल भी जितनी खरीद हमने दलहन और तिलहन की है, भारत की हिस्ट्री में कभी आज तक इतनी हुई नहीं है। इस साल भी हमने चना हो, तूर हो, उसके बाद ग्राउंडनट हो, मस्टर्ड हो, ये सारी जो हमारी फसलें हैं, हमने जहाँ जहाँ भी MSP से नीचे मूल्य रहा है, हमने रिकॉर्ड खरीद इस बार भी की है और आने वाले समय में भी ऐसे ही करते रहेंगे। अलविदा होते साल 2020 के अंतिम माह यानी दिसंबर में केंद्र सरकार ने देश के किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना किसानों के हितार्थ 60,00,000 टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया। इससे होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा, 5,00,000 मजदूरों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने साल 2020 के अंत में देश के किसानों को अच्छी सौगात देकर न केवल अन्नदाता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, बल्कि किसानों के कल्याण और विकास के प्रति सरकार के सोच को भी रेखांकित किया है। तो आपने देखा, केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल किसानों के कल्याण और विकास के मामले में न केवल बेमिसाल रहा, बल्कि अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के मामले में बेहद अनुकूल भी रहा। अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।